ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, वाले वीडियो में फिर से लेकर आ चुका हूँ मैं रेसलिंग एम्पायर का गेम प्ले। और आज मैच होने जा रहा है साइतामा वन पंच मैन वर्सेस रोमन रिंग्स एंड हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो मैच को करते हैं स्टार्ट। और ये जो साइतामा है वन पंच मैन, ये जो है एनाइम का करेक्टर है, एनाइम यानी मतलब कार्टून का करेक्टर है। तो यहाँ पर जो आ चुके हैं हमारे रोमन रिंग्स एंड जॉन सीना, तो यहाँ पर जो है पूरी एंट्रेंस को देखते हैं अपने ट्राइबल चीफ की। आ चुके हैं हमारे ट्राइबल चीफ और 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रिंग के अंदर। और रेफरी जो है ट्रिपल एच है दी गेम, ट्रिपल एच ओके, ये गेम ट्रिपल एच, कहीं इस मैच में गेम ना कर दें। और ये मैच जो है कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर होने वाला है, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि इस मैच को ना ही मुझे पता मतलब कौन जीतने वाला है इस मैच को, और ना ही आपको पता इस मैच को कौन जीतने वाला है। तो देखते हैं भाई कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पर आ चुका है साइतामा वन पंच मैन, तो इसका फिनिशर भी कुछ पंच जैसा ही है, मुझे नहीं पता इसका फिनिशर क्या है, वो तो आज मैच में ही देख के पता चलेगा कि कौन सा फिनिशर होने वाला है इसका। तो यहाँ पर जो है रोमन है लीगल मैन, और यहाँ पर इधर तो साइतामा ही है। तो ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच में देखते हैं जीत पाता है साइतामा या नहीं। तो यहाँ पर अभी तो देख लो ये रोमन से पिट रहा है, लेकिन रोमन का सुपरमैन पंच साइतामा ने रिवर्स कर दिया। और यहाँ पर मैंडिबल क्लो लगाया था, पता नहीं क्या ही लगाया था, और ओके जॉन सीना को भी रिवर्स कर दिया भाई साहब, और जॉन सीना को भी पीट रहा है। तो साइतामा कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रो हो गया, कुछ ज़्यादा ही प्रो हो गया, तो प्रो ही है। और मतलब जो साइतामा है उसका जो ओवरऑल है वो भी रोमन से ज़्यादा है, 99 ओवरऑल है, और जो रोमन का है वो है 95 ओवरऑल। तो यहाँ पर जो है साइतामा का फिनिशर आ सकता है अगर वो ऐसे ही रोमन को मारते रहे। तो यहाँ पर ओके जॉन सीना भी पीछे से इंटरप्ट कर रहे हैं, और ये साइतामा को कर दिया आयरिश स्वीप रोमन ने, और लेकिन कोई मूव नहीं लगाया। और ये लगाया ओके वैली टू वैली सुप्लेक्स साइतामा ने लगा दिया है। तो यहाँ पर ओके लेग ड्रॉप, तो ये पे एक बैक आरकियो जिसे बोलते हैं नेक ब्रेकर लगा दिया है रोमन ने, और ट्रिपल एच की तरफ क्यों टारगेट कर रहा है भाई साइतामा। तो यहाँ पर ट्रिपल एच रेफरी बने हुए हैं, और यहाँ पर जॉन सीना को भगा रहे हैं क्योंकि जॉन सीना भी लीगल मैन नहीं है। तो यहाँ पर साइतामा ने ये लगा दी ड्रॉप किक, और भाई साइतामा मतलब बहुत कम रिवर्स कर रहा है। और ये देखो रोमन कितना पीट रहे हैं साइतामा को, और इसमें हाँ इसमें एलिमिनेशन और नॉकआउट ऑन है। अगर हेल्थ पूरी ख़त्म हो गई तो जो एलिमिनेट हो जाएगा कोई भी बंदा हो, चाहे वो मतलब चाहे रोमन हो चाहे कोई भी हो मतलब। और ओके जॉन सीना को अभी टैग नहीं मिला है, फिर भी जॉन सीना इतना वो कर रहे हैं रिंग के अंदर आने के लिए। और यहाँ पर जो है साइतामा की हेल्थ कम हो चुकी है रोमन से, और रोमन का फिनिशर आने वाला है। साइतामा ओके रिवर्स कर दिया, मैं यही कह रहा था कि साइतामा को अगर इस मैच को जीतना है तो रिवर्सल पर रिवर्सल देना होगा, क्योंकि रोमन तो भाई रुकते ही नहीं है। तो यहाँ पर रोमन साइड से टैग देने नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप किक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। तो यहाँ पर एक लेग ड्रॉप जो कि कनेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर ये साइतामा ये जॉन सीना की तरफ क्यों जाता है भाई। तो यहाँ पर जो है रोमन टैग नहीं दे रहे जॉन सीना को, अभी रोमन चाह रहे हैं कि मैं इसका है जो है साइतामा का वन पंच मैन का एलिमिनेशन कर दूँ, लेकिन अभी एलिमिनेशन करना इतना सरल नहीं है। तो यहाँ पर जो है साइतामा ने जो है फिर से जो है पीटना शुरू कर दिया जो है क्या बोलते हैं रोमन रिंग्स को, लेकिन रोमन भी कम नहीं है, रोमन भी मूव को रिवर्स करे जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर से रिवर्स, और जॉन सीना तो भाई कितना टैग मांग रहे हैं, बार बार अपने हाथ से टैग मांग रहे हैं, लेकिन रोमन टैग दे ही नहीं रहे बिल्कुल। इससे जो है साइतामा को फ़ायदा है, क्योंकि अगर जॉन सीना को टैग मिला तो जॉन सीना की हेल्थ फुल है, और फिर साइतामा जो है मतलब नॉकआउट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखो जॉन सीना को टैग नहीं मिल रहा, तो मतलब जॉन सीना ऐसे ही रिंग के अंदर आके ओके स्टनर लगा दिया भाई साहब साइतामा ने। और यहाँ पर रोमन जो स्टंड हो गए थे, बट स्टंड मीटर्स जो है चला गया, स्टंड मीटर्स में दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर जो है साइतामा ने फिर से जो है अपना तरफ जो है कंट्रोलर ले लिया है, और फिर से जो है साइतामा का फिनिशर आने वाला है। तो साइतामा ऐसी पीट तरह फिनिशर आ जाएगा, तो ये एक वैली टू वैली सुप्लेक्स, और बस 2 से 3 मूव और साइतामा का फिनिशर आ जाएगा। तो ये एक सुप्लेक्स, और बस इसके बाद एक लास्ट मूव और लगा दे साइतामा अच्छी तरीके से रिवर्स ना हो तो। तो नीचे जो है डेनियल ब्रायन ओके, यहाँ पर कमेंट्री टेबल पे डेनियल ब्रायन है जो कि AEW में जा चुके हैं, और डेनियल पता नहीं क्या नाम है इनका AEW में। तो यहाँ पर ओके
नीचे फेंक दिया है साइतामा ने रोमन को। और देखो साइतामा का फिनिशर बिल्कुल आ गया है, अब कुछ करना भी नहीं है, बस रोमन रिंग के अंदर आएंगे तो मतलब तब भी फिनिशर आ जाएगा साइतामा का। और ये बहुत सही रहा क्योंकि साइतामा का जो फिनिशर है अब तक चला जाता अगर आ गया होता तो यहाँ पर रोमन देखो कितने चालू हैं, रोमन को पता है कि साइतामा का फिनिशर आ चुका है इसीलिए रिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा लेट आए हैं। और यहाँ पर साइतामा क्या कर रहा है भाई, साइतामा फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा, फिनिशर चला जाएगा ये भाई, साइतामा क्या ही सीन कर रहा है। तो साइतामा को जीतना है तो फिनिशर तो लगाना पड़ेगा, और ओके लगा दिया, क्लोज लाइन थी, ओके क्लोज लाइन फिनिशर था साइतामा का। और रोमन की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है और रोमन एलिमिनेट होने वाले हैं, लेकिन साइतामा की हेल्थ तो अभी आधे से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या लगाया, ओके यहाँ पर अभी जो है रोमन अभी तो मतलब जाने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ओके यहाँ पर ये क्या लगाने जा रहे हैं, साइतामा ने रिवर्स कर दिए जो भी लगाने जा रही थी और हरिकेन राना में कन्वर्ट कर दिया। ओके कमोरेला को टैप आउट कर दिया साइतामा ने, ये क्या हुआ, रोमन एलिमिनेट हुआ और टैप आउट करा था साइतामा ने, ओके मैं सब सीन समझ गया। तो यहाँ पर जो है रोमन की हेल्थ बहुत कम हो गई थी और साइतामा ने टैप आउट कर दिया था, तो जो ट्रिपल एच है उन्होंने जो है रोमन को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि रोमन की हेल्थ जा चुकी थी, नॉकआउट हो गए थे रोमन, इसलिए साइतामा जो है मतलब साइतामा ने टैप आउट कर दिया। फिर भी जो है इनकी रोमन की टीम नहीं जीती भाई साहब, साइतामा ने तो कांड कर दिया। और यहाँ पर जो जॉन सेना है उनकी हेल्थ तो पहले से ही कम है, जॉन सेना तो अभी रिंग के अंदर भी नहीं आए। साइतामा को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्योंकि जॉन सेना की भी हेल्थ बहुत कम है और बन बी टू करने का यही मौका है, तो साइतामा बस जॉन सेना और रह गए, वो भी एलिमिनेट होने वाले हैं, उनकी हेल्थ जॉन सेना की बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जॉन सेना ने उठा लिया है और ओके फिर से रिवर्स कर दिया साइतामा ने, और ट्रिपल एस साइतामा को देख रहे हैं जबकि जॉन सेना की हेल्थ साइतामा से भी कम है। तो यहाँ पर हमारे वन पंच मैन वन बी टू करने वाले हैं और जीतने वाले हैं 2-on-1 हैंडीकैप मैच को। तो यहाँ पर जॉन सेना की बस थोड़ी सी हेल्थ रह गई है, तो ओके ड्रॉप किक कनेक्ट नहीं हुआ और दोनों ने ही जॉन सेना और साइतामा ने ड्रॉप किक लगाया, बट जो है कनेक्ट किसी का नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है साइतामा की हेल्थ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो गई है और जितनी हेल्थ ज़्यादा होगी उतनी मतलब देर से एलिमिनेट हो गई, जैसे जॉन सेना की हेल्थ कम है तो जॉन सेना यहाँ पर एलिमिनेट होने वाले हैं। पर ये दोनों बंदे एक दूसरे को घूरने क्यों लगे पता नहीं। ओके जॉन सेना तो यू कैन सी मी कर रहे हैं और ये एक मूव लगा दिया और ओके जॉन सेना ने टैप आउट कर दिया, बट यार रोप ब्रेक हो जाएगा मुझे पता ही था। तो जॉन सेना की हेल्थ बिल्कुल नहीं है और ये रेफरी जो है ट्रिपल एच ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे, जॉन सेना तो नॉकआउट हो चुके हैं पहले ही, लेकिन जब तक रेफरी नहीं देखेगा तब तक ये नॉकआउट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जॉन सेना का भी लक बहुत अच्छा चल रहा है और ओके रिवर्स कर दिया जॉन सेना ने, तो स्टैमिना जो है बढ़ना शुरू हो गया है साइतामा का फिनिशर बार। और ट्रिपल एच जो है अब चेक कर रहे हैं कि कौन एलिमिनेट होने वाला है, लेकिन जॉन सेना बार बार उठ जा रहे हैं, तो साइतामा मुझे लगता है साइतामा जो है मज़े ले रहा है जॉन सेना के, क्योंकि साइतामा तो अब एक ड्रॉप किक में भी एलिमिनेट कर सकता है जॉन सेना को। मैं समझ गया वन पंच मैन अब मज़े ले रही हूँ मतलब जॉन सेना के, तो ओके ड्रॉप किक और इसी के साथ ख़त्म भाई मैच। तो यहाँ पर जो है साइतामा ने कर दिया है 1v2 और जीत चुके हैं 2-on-1 हैंडीकैप मैच। तो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइतामा का मैच मैं किसके साथ करूँ ये भी कमेंट में बता देना। एंड साइतामा का जो लास्ट में मैच होने वाला है वो ओमनी मैन के साथ भी होने वाला है, द लेजेंड के साथ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मैच जीते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।